पावागढ़ पुलिस द्वारा पीएसआई सहित पुलिस कर्मचारियों को मास्क के मुद्दे टोकने के दौरान 12 लोगों द्वारा की गई हमले की घटना अंतर्गत पुलिस द्वारा 12 लोगों की अटकायत की गई है। मिली जानकारी के आधार पर पंचमहल जिले के पावागढ़ स्थित भावी भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहां पावागढ़ स्थित माताजी के मंदिर के दर्शन के दौरान इकट्ठी हुई भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए पुलिस भी तैनात रही थी। तो वहीं भक्तों के बीच मास्क बिना भक्तों को नजर आते हुए पुलिस द्वारा उन्हें टोक कर मास्क पहनने के लिए सलाह सूचन दिए जा रहे थे, जहां वडोदरा से वड़ा तालाब स्थित घूमने आए वैसे युवक युवतियों को पुलिस द्वारा मास्क के मुद्दे टोकते हुए बारह जितने लोगों द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर बवाल मचाया गया था, जहां बाद पावागढ़ पुलिस ने तमाम शख्सों की अटकायत करते हुए कार्यवाही जारी की है। वडोदरा से पावागढ़ घूमने आए वैसे युवक युवतियों ने वड़ा तालाब के पास कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर तथा बिना मास्क टहलते हुए नजर आए थे। दौरान पावागढ़ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पीएसआई एएम परवार तथा स्टाफ द्वारा उन्हें मास्क पहनने के लिए टोकते हुए मामला घटित हुआ था, जहां पीएसआई तथा पुलिस कर्मचारियों पर बारह जितने लोगों द्वारा हमला करते हुए तमाम के खिलाफ रायोटिंग का गुना दर्ज किया गया है, जहां एक युवक ने वो आईजी साहब के ड्राइवर का लड़का है जो करना हो कर लो वैसा कहकर पीएसआई तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों पर हमला किया था, जिस अंतर्गत पावागढ़ पुलिस ने जारी की सघन तहकीकात में पुलिस ने वडोदरा के रहीश वैसे आशीष ठाकुर कुणाल सिंह ठाकुर जील जोशी हितेश परमार सुनील वाड़ा प्रवीण तड़वी जितेश बारिया नीरव प्रजापति गौरव परमार दिव्येश प्रजापति गीता ठाकुर ज्योतिका ठाकुर के खिलाफ सघन कार्यवाही जारी की है।